जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियोस के माध्यम से मैं बताने वाला हूं कि बहुत सारे बच्चे के कॉल्स आ रहे थे कि सर और भी किसी ट्रेडमैन की वैकेंसी आई हुई है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ट्रेडमैन की वैकेंसी आई हुई है, इसमें क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है, कौन कौन बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, सभी बच्चों को एक बार मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, इस वीडियोज़ के माध्यम में आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दूंगा और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है अभी बहुत कम टाइमों में, तो वीडियोस को अंत तक देखना, बहुत सारी डिटेल्स आपको दिया हूं। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जैसे आने वाली सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मेरे परिचय आप बच्चे दिख रहे होंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत जो रिक्रूटमेंट 2022 43 क्लर्क MTS लेबर क्लर्क कुक कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसीज बहुत सारी हैं बच्चे। ये 17 फरवरी 2022 का लेटेस्ट वैकेंसीज है, दो तीन दिन पहले का। मैं बात करूं एप्लीकेशन इनवाइटेड जो बच्चे कुक में MTS में अकाउंटेंट MTS कारपेंटर क्लर्क स्टेनोग्राफर बहुत सारे लेबर पोजीशन एडिशनल डायरेक्टरेट बहुत अपॉन्सिलेट की वैकेंसीज है जो आप भर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इनमें कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं सारी डिटेल्स में दे रहा हूं। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत MOD आर्मी इंडियन आर्मी न्यू दिल्ली जो हमारा पिन कोड दिया हुआ है एरिया का ये दिया हुआ है। अब हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों मेन टॉपिक की ओर, तो देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट नंबर ऑफ वैकेंसी। देखिए स्टेनोग्राफर में 2 वैकेंसीज है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे बढ़ लेते हैं मेरे पेड़ जो क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया है। तो 18 से 25 ईयर वाले और बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एक्ट रिलैक्सेशन आपको पता होगा SC ST का 5 साल देता है, OBC का 3 ईयर का देता है, 10 ईयर का PWD का देता है। प्लेस ऑफ मुंबई, आपका पोजिशन जो जहाँ पे पोस्टिंग रहेगा वो मुंबई में रहेगा। स्टेनोग्राफर सभी का दिया हुआ है भैया कि कितने से कितने वैकेंसीज आपकी सैलरी हो सकती है लेवल 4 में, LDC का कितना कितना सैलरी आपका हो सकता है। ठीक है, कुक का ये हमारा वैकेंसी इसके पहले। ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ दे चुका है कितने लेवल 2 में कितने कितने आपकी सैलरी होने वाली है। इससे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए कि अभी स्कॉलरशिप अनअकैडमी टेस्ट 12 बजे से है, जरूर जुड़िएगा सभी बच्चे मेरे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इसमें बहुत सारी चीजें जीतने का मौका मिलेगा। पहले वीडियोस को देख लीजिए। अगर आप एक SSC बैंक या रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट और कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अनअकैडमी आप सभी के लिए ला रहा है 100% फ्री ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट। ये स्कॉलरशिप टेस्ट इस महीने की 20 तारीख को होगा, यानी कि 20th of Feb 2022। टेस्ट टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए। पहला टेस्ट होगा सुबह 10 बजे बैंक एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए, फिर होगा 2 बजे SSC एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए और 5 बजे होगा रेलवे एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। ध्यान रहे ये तीनों ही टेस्ट आपके एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड फुल लेंथ टेस्ट हैं। जैसे आपका एग्जाम होता है उसी तरीके से आपका ये टेस्ट होगा और उसी सिंसियरिटी से आपको इसमें एनरोल करना है और 20th को ये टेस्ट देना है। रिवॉर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप 10 रैंकर्स को मिलेगी 100% अनअकैडमी स्कॉलरशिप। अपार्ट फ्रॉम दिस रैंक 1 यानी कि टॉपर को मिलेगा एक लैपटॉप। फ्रॉम रैंक 2 टू रैंक 6 आपको मिलेगा सैमसंग का एक 5G फोन। फ्रॉम रैंक 7 टू रैंक 16 आपको मिलेंगे JBL के वायरलेस ईयरबड्स। यकीन मानिए मेरा, इन बेहतरीन रिवॉर्ड्स के अलावा आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आप कितना तैयार हैं आने वाले अपने एग्जाम के लिए। तो आप सभी गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स फटाफट से अपने अपने टेस्ट में एनरोल कर लीजिए। ये टेस्ट 100% फ्री है, फुल लेंथ टेस्ट है और आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपनी प्रिपरेशन को इवैल्यूएट करने की। तो आप सभी इसका फायदा उठाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके टेस्ट में एनरोल करिए और इस टेस्ट को सिंसियरली 20 तारीख को अटेम्प्ट करिए। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। आपने देख लिया होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आप लोग को 12 बजे जरूर जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन पोस्टलेशन पॉइंट है। अब मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों अलाउंस ये सब सभी मिलेगा आपको, टोटल वैकेंसीज हमारे पास में है। देखिए सभी बच्चों के लिए स्टेनोग्राफर 2 के लिए 12th पास बहुत जरूरी है, लोअर डिवीजन के लिए 12th पास अनिवार्य है, MTS के लिए मेट्रिक असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए BCOM, MTS कारपेंटर के लिए रेगुलर लेबर मेट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट। मैं बात करूं मेरे बच्चों सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, पहले प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, इसके बाद स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें कोई रिटर्न टेस्ट नहीं है। रिटर्न टेस्ट का मतलब है कि इसी में किसी तरीके का रिटर्न आपको नहीं लिया जाएगा। एप्लीकेशन एज पर एडवर्टाइजमेंट, अब अप्लाई जो भी बच्चे कर पाएंगे सभी के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, लोअर डिविजनल क्लर्क की 1 वैकेंसी है, हमारा मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1 वैकेंसी है। इसमें जो बच्चे अप्लाई करेंगे मैं बता दूं, अ केस डिस फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट न्यूज पेपर डेटेड 22 जनवरी 2022 को इशू हुआ था एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, अभी आप लोग के टाइम है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं बता दूं वैकेंसीज बहुत सारी है, बेहतरीन तरीके से है। आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि ऑफलाइन एक हमारा एप्लीकेशन या तो ऑफलाइन इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ये सॉरी जो हमारी फॉर्म्स होंगे ये फॉर्म्स को अप्लाई कर सकेंगे, वहाँ से निकाल के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। MOD लिखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ट्रेडमैन की वैकेंसीज वहाँ पे आपको मिल जाएगा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और याद रहे
12 बजे जरूर जुड़िएगा। सभी के लिए मेरे प्यारे बच्चों जितने का अच्छा बेहतरीन मौका है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्टूडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे प्यारे बच्चों।